नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंसुरेशन का पार्ट 4 पढ़ेंगे। पार्ट 3 हम इसके पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देख रखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, वहां से आप उस वीडियो को वॉच कर लें। आइए पार्ट 4 पढ़ते हैं। पार्ट 4 में हम आयत के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि रेक्टेंगल। तो आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजाएँ समान होती हैं उसको आयत कहते हैं। जैसे देखिए, ये ब्रेथ दोनों इक्वल होंगी और लेंथ दोनों इक्वल होंगी, ठीक है? यानी आमने सामने की भुजाएँ समान होती हैं उसको आयत कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इसकी लेंथ में ब्रेथ में मल्टीप्लाई कर दें तो ये एरिया फाइंड हो जाएगा, ये एरिया है कितना, ठीक है? ये वाला एरिया इसका कितना है, इंग्लिश में एल इंटू वी। तो आयत का परिमाप क्या होता है? परिमाप यानी कि ये वाला, ठीक है? ये बॉर्डर होता है, परिमाप होता है। इसमें क्या होता है कि दो लंबाई हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, और दो चौड़ाई होती हैं, ठीक है? दो लंबाई होती है, दो चौड़ाई होती है, दो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि 2l प्लस बी, ठीक है? अब आयत के विकर्ण की बात करें, आयत का विकर्ण क्या होता है? ठीक है, इस प्रकार से अगर इसके बीच में एक लाइन खींच दें, ड्रॉ कर दें, तो ये इसका विकर्ण हो गया, ठीक है? ये इसकी ब्रीथ है। तो मैंने आपको बताया आयत का विकर्ण क्या होता है, ये लंबाई का स्क्वायर और चौड़ाई का स्क्वायर रूट के अंदर ये विकर्ण हो गया, ठीक है? यानी कि विकर्ण का स्क्वायर लंबाई प्लस चौड़ाई के स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी कि इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के इक्वल होता है, ठीक है? आइए इसके कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। एक आयताकार खेत का परिमाप 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है, खेत का क्षेत्रफल क्या है? हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि एक आयताकार खेत है जिसका हमको परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है? ये बॉर्डर इसका परिमाप होता है। ये हमको दे रखा है कितना है? 480 मीटर है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी इक्वल कितना दे रखा है हमको? 480 मीटर। और हमको क्वेश्चन में दिया है लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दे रखा है 5:3। तो एल रेशियो बी कितना दे रखा है हमको? 5:3, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से यूनिट में वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जिससे हमारी लंबाई चौड़ाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 एल कितना हमारा 5 प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी हमको 3, ये कितना हमारा 480। तो ये कितना हो गया 8, 8 × 16, यानी कि 16 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 480 है, ठीक है? तो एक यूनिट की निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16 का इसमें डिवाइड लगा दीजिए, 16 का इसमें लगाएं, 16 × 3 = 48, यानी कितनी हो जाएगी एक यूनिट की वैल्यू हमारी? 30। अब क्या करते हैं, एक यूनिट की वैल्यू हमारी 30 है तो हमें निकालनी कितनी है? 5 यूनिट की निकालनी है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 5 में मल्टीप्लाई करा देते हैं 30 का, 3×5 = 15, तो 150 हो गई हमारी लंबाई। और ब्रेथ में भी क्या करते हैं, 30 का मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3×3 = 9, यानी 90 हो गई हमारी चौड़ाई। हमसे पूछा क्या है, एरिया पूछा है। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दें आपस में, 150 × 90, इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो गया, 15×9 = 135, यानी 13,500 m². ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, एक आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है, यदि लंबाई चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या है? हमें एक आयताकार भूखंड दे रखा है जिसमें हमसे कहा है कि इसका जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 का है, ठीक है? और हमसे कहा है कि इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले देखते हैं एल रेशियो बी, हमको कितना दे रखा है, 5:3 दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है? 5:3 हमसे कहा कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से 16 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है? 16 मीटर अधिक है। जरा यूनिट में देखना कितना अधिक है, लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 है, तो कितनी ज़्यादा अधिक है, 2 यूनिट अधिक है, यानी कि 2 यूनिट हमारी ज़्यादा है क्या लंबाई चौड़ाई से। क्वेश्चन में कितना ज़्यादा दे रखी है, 16 मीटर, तो इसके इक्वल रख दीजिए 16 की, ठीक है? तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो इसका डिवाइड लगा दीजिए, 2 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 16, कितने टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई हमारी 8। एक यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 8, ठीक है? हमें निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू और 3 यूनिट की वैल्यू। तो देखिए 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 5 में 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये कितना हो गया हमारा 40, ठीक है? 3 में 8 का मल्टीप्लाई करा दीजिए, हो गया 24, यानी हमें पता पड़ गया हमारी लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी हमारी 24। एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है एरिया, तो क्या करें, लंबाई होगी हमारी 40, चौड़ाई होगी हमारी 24, इनमें मल्टीप्लाई करा दीजिए, 24×96, यानी 960 m². ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शंस नंबर सी आपका बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर थ्री, एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 हो तो मैदान की चौड़ाई क्या है? तो देखिए, हमें एक आयताकार मैदान दे रखा है जिसमें हमसे कहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और मैदान का क्षेत्रफल हमको दे रखा है कितना? क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है, नहीं, क्षेत्रफल हमको कितना दे रखा है? 480 दे रखा है, यानी कि एल इंटू वी हमको दे रखा है कितना? 480 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमको दे रखी है। अब हमसे कहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। किससे? चौड़ाई से। अब देखिए, इसको तो हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, तो पहले मैं आपको ऑप्शन से ही करके दिखा देता हूँ कि हमसे कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है कौन? लंबाई। तो चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई देखिए, पहले अगर हम 16 मान लें, कितना मान लें? 16। तो लंबाई कितनी अधिक है? 4 अधिक है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी? 20 हो जाएगी। ठीक है, 16 दूनी 32, यानी 320 हो जाएगा, जबकि एरिया कितना आना चाहिए हमारा? 480 आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं, तो ऑप्शन बी को देखते हैं। देखिए, 18, यानी कि अगर हम इसकी चौड़ाई को 18 माने तो लंबाई कितनी अधिक है? 4 अधिक है। 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22, और 22 × 18 करें तो हमारा कितना आना चाहिए? 480 आना चाहिए। करके देखते हैं, 18 × 36, 6 * 3 = 36, 37 * 38 = 39, 396 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत, आना कितना चाहिए? 480। अब ऑप्शन सी उठाते हैं, अगर हम इसकी चौड़ाई को कितना माने? 20 माने तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 24। ठीक है, आना कितना चाहिए? 480। इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 24 × 48, यानी कि 480 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए, आपको दूसरा पैटर्न से समझाते हैं। तो देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि इसकी हमको क्या नहीं दे रखी? चौड़ाई नहीं दे रखी है, तो चौड़ाई को मान लेते हैं हम क्या? एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई को मान लेते हैं एक्स। तो लंबाई हमारी इससे कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है, तो कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 4 हो जाएगी। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है, तो हम क्या करें, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4। ये वैल्यू हमको दे रखी है, कितनी है? 480 है। लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है? 480 है। अब या तो क्या करिए, ऑप्शन पुट कर लीजिए, या इसको सॉल्व करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम तो ऑप्शन पुट करके ही करेंगे ताकि सवाल डायरेक्ट हो जाए। आपको बताया था कि ऑप्शन सी इसमें मैच कराया था, तो सी को देख के दिखा देते हैं। तो एक्स के स्थान पर लिख लीजिए 20 मल्टीप्लाई एक्स के स्थान पर 20 प्लस 4। ठीक है, ये कितना चाहिए? 480 होना चाहिए। तो 20 मल्टीप्लाई 24, ये कितना हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई 24 होता है 480, यानी कि दोनों इक्वल हो गए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 396 वर्ग मीटर है, उसकी लंबाई 22 मीटर है, तो चौड़ाई और परिमाप क्या होगा? क्वेश्चन में हमको दे रखा है कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 396 मीटर। तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है एल इंटू बी इक्वल 396 मीटर स्क्वायर, ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है, जबकि हमको इसकी लंबाई दे रखी है 22 मीटर है। तो लंबाई के स्थान पर 22 मल्टीप्लाई ब्रीथ हमको ज्ञात करनी है 396। 22 मल्टीप्लाई में बराबर की दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा, तो आप डायरेक्ट काट लीजिए, 22 का इसमें डिवाइड लगाएंगे 396 में, तो 18 टाइम चला जाएगा। तो ब्रीथ आ गई हमारी कितनी? 18। तो बी आ गई हमारी 18। एल हमको दे रखा है, हमसे पूछा क्या है? परिमाप। तो पेरीमीटर क्या होता है? 2l + b होता है। ठीक है, 2 की जगह 2, l की वैल्यू हमारी कितनी देखिए? 22 प्लस ब्रीथ हमने निकाल ली कितनी? 18। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 40, और इसका मल्टीप्लाई करें 40 × 80, तो ब्रीथ हो जाएगी हमारी 80 मीटर, सॉरी ब्रीथ हो गई हमारी 18 और पैरामीटर हो गया हमारा 80 मीटर। ऑप्शंस नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, यदि एक आयत की एक भुजा की लंबाई और विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? हमारे पास एक आयत है जिसमें हमसे कहा है कि इसमें विकर्ण डाल लीजिए, जिसमें हमसे कहा है कि विकर्ण कितना है, सॉरी लंबाई कितनी है? 7, और विकर्ण कितना हमारा? 25। ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ब्रीथ क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कर्ण का वर्ग यानी विकर्ण का वर्ग कर लेते हैं, 25 का स्क्वायर इक्वल ब्रीथ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये होता है 625 इक्वल बी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। 625 में से सीधे लेस कर देना है, प्लस में है, बराबर की दूसरी ओर माइनस में रहेगा, और बी स्क्वायर
स्क्वायर में बराबर दूसरे रूट में जाएगा, तो डायरेक्ट कर देते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 576 बचेगा, और बी स्क्वायर है बराबर दूसरे रूट में आ जाएगा, तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये कितने का होता है, 24 का होता है, यानी ब्रीथ आ गई हमारी 24 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है, इसका परिमाप पूछा है, लंबाई हमको दे रखी है, चौड़ाई हमने निकाल ली, तो परिमाप क्या होता है इसका, 2l+b होता है, तो 2 की जगह 2, l हमारा दे रखा है कितना 7, b हमने निकाल लिया 24, ठीक है, 24 और 7 31, 2 × 31, इस पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक आयत का परिमाप और चौड़ाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, हमसे पूछा क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी हमसे पूछ रहा है, हमको देखिए क्वेश्चन में दे रखा है आयत का परिमाप दे रखा है कितना है 60 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होता है हमारा 2l+b, ये परिमाप होता है, कितना दे रखा है हमको 60 सेंटीमीटर दे रखा है, और चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको 14 सेंटीमीटर, तो हम क्या करते हैं 2, यहाँ से लंबाई फाइंड हो जाएगी, l चौड़ाई कितनी दे रखी है हमको 14 = 60, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में बराबर दूसरी ओर डिवाइड में जाएगा, आप डायरेक्ट काट दीजिए, 2 से काटेंगे कितने टाइम्स जाएगा 30 टाइम्स, तो l + 14 = 13, ठीक है, यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी, एल बराबर कितना हो जाएगा, ये प्लस में है या माइनस में जाएगा, 30 में से 14 गए तो कितना बचा 16, तो हमारी लेंथ कितनी निकल आई 16 निकल आई, ब्रीथ हमको क्वेश्चन में दे रखी है 14, एरिया पूछा है तो एरिया क्या होता है l × b, तो एल की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली कितनी है 16, बी हमको दे रखा है 14, इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 375 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या है, तो देखिए इसका हमको परिमाप दे रखा है, परिमाप क्या होता है हमारा 2l+b होता है, बराबर कितना दे रखा है हमको 80 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमको दे रखा है इसका क्षेत्रफल कितना है 375, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है l × b बराबर 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल प्लस बी कैद कर लेते हैं, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, l+b की वैल्यू आ रही कितनी 40, ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं 375 के फैक्टर तोड़ते हैं, अगर 375 के फैक्टर तोड़ें तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, तो उसको हम डायरेक्ट करते हैं, तो 375 के फैक्टर तोड़ते हैं, 375 इसमें 5 का डिवाइड देंगे तो कितने टाइम चला आ जाएगा हमारा 75 टाइम्स जाएगा, ठीक है, कितना 75, फिर इसमें 5 का दीजिए कितने टाइम चला जाएगा 15 बार चला जाएगा, 5 का दीजिए कितने बार चला जाएगा 3 टाइम्स चला जाएगा, और 3 का देंगे तो 1 टाइम्स, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमको क्या करना है कि 375, यानी कि ये फैक्टर में थोड़ा है, 375 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ में कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए, तो देखिए हम क्या करते हैं 5 25 और 5 3 15, 25 और 15 को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी कि लंबाई अगर हम 25 रख दें और प्लस चौड़ाई कितनी रख दें 15 रख दें तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो एल हमारा कितना हो गया 25, बी हमारा कितना हो गया 15, ठीक है, तो इन दोनों की लंबाई चौड़ाई में अंतर पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा अंतर, तो इन दोनों के बीच में देखिए अंतर कितना आ रहा है 10 का आ रहा है, कितने का 10 का अंतर आ रहा है, ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको इस प्रकार की न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।